घर से मॉर्निंग वॉक करेंगे, थोड़ा फ्रेश एयर आएगा करके, लेकिन चलने से ही फील हो रहा है कि थोड़ा अभी भी पोल्यूशन ज़्यादा है करके, ज़्यादा गाड़ियाँ भी, ट्रैफिक भी बढ़ी हुई है, और जो धुआँ है या फिर डस्ट पार्टिकल है वो फील हो रहे हैं अभी चलने से। थोड़ा हम मॉर्निंग वॉक किए इसलिए थोड़ा हमें लगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है करके, लेकिन जैसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सभी जगह है, बट दिल्ली में ज़्यादा है खासकर। तो हमें भी गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा अभी तो प्रोग्रेसिव मोड में है कि थोड़ा सुधार तो हुआ है, बट फिर भी और रिक्वायरमेंट है थोड़ा अच्छे और स्टेप्स लेने के। साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा व्हीकल्स में जो सिंगल चलते हैं ये नहीं चल के कार पूलिंग करें, और थोड़ा सा जो कचरा जलाना है ये सब में कंट्रोल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने से हमारा जितना मिनिमम पॉल्यूशन हो सके वो करने का। क्योंकि देखने में आ रहा है कि मैं तो आया हूँ, फैमिली साथ में लेके आया हूँ, लेकिन बच्चों को भी थोड़ा इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, आँखों में थोड़ा उनके जलन हो रहा है, और ज़्यादा हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसा सोच के निकले थे मॉर्निंग के टाइम में सही रहता होगा एटमॉस्फियर, ऐसा हमें फील तो नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन का इफेक्ट क्योंकि बॉडी में इतना इजीली फास्ट दिखेगा नहीं ये, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए ये हमारे लंग्स के लिए थोड़ा सा ही प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा। बच्चों को हम अभी इतना ज़्यादा तो बाहर खेलने के लिए आउटसाइड अलाउ नहीं करते, बट थोड़ा वेदर अच्छा होने से या क्लाइमेट अच्छा होने से बच्चों के लिए सही रहता। लॉन्ग टाइम इफेक्ट के लिए तो मे भी शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पॉल्यूशन, गवर्नमेंट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बच्चे सोचे थे थोड़ा सा खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे करके, बट मौसम देख के हम लोग भी थोड़ा मना किए हैं कि अभी जैसा लग रहा है ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है, बट फिर भी इंजॉय तो कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली है, ठंड है, तो ठंड का मज़ा आता है। बाकी पॉल्यूशन बड़ी समस्या है।